भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय गति शक्ति प्लान न केवल बुनियादी ढांचे की नींव रख रहा है बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केंद्रीय राजमार्ग और सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में देश के नेशनल हाईवे ढांचे की क्षमता बढ़ गई है और पिछले कुछ वर्षों में राजमार्गों का निर्माण दुगनी गति से हो रहा है। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला और देश का सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचा परियोजना संचालित करने वाला यह राज्य सही मायने में देश का ग्रोथ इंजन है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 2014 तक राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 81 किलोमीटर थी जो अब 2023 में बढ़कर लगभग 354 किलोमीटर हो गई है। यह वृद्धि 400% है। आज बुलढाणा वासियों की समृद्धि और प्रगति को और तेज करने वाली 45 किलोमीटर लंबी तथा 800 करोड़ रुपए लागत मूल्य की सड़क परियोजना का श्री नितिन गडकरी जी के शुभ हाथों राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। भारतमाला परियोजना अंतर्गत NH-53 पर अमरावती चिखली प्रोजेक्ट सेक्शन का पैकेज 4 तहत 4 लेनीकरण पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना में 6 किलोमीटर लंबाई का नांदुरा ग्रीनफील्ड बाईपास, मलकापुर आरओबी, 4 मेजर ब्रिज, 18 माइनर ब्रिज, 11 कलवर्ट, 3 वेहिकुलर अंडरपास, 4 पेडेस्ट्रियन अंडरपास, 11.53 किलोमीटर लंबा 2 लेन वाला सर्विस रोड, 20 बस शेल्टर, 1 ट्रक ले बाय आदि सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इन 4 राज्यों के आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे रायपुर, नागपुर, सूरत लाभान्वित होंगे। शेगांव का गजानन मंदिर, नांदुरा हनुमान मंदिर आदि धार्मिक तथा बुलढाणा जिले के लोनार सरोवर जैसे पर्यटन स्थलों तक यात्रियों की पहुंच अधिक आसान होगी। बुलढाणा जिले से नागपुर जिला तथा बुलढाणा से धुले सूरत आदि क्षेत्र के यात्रा समय में कमी आएगी। कपास, लाल मिर्च, फल, अनाज और अन्य कृषि उपज की ढुलाई में पैसे और ईंधन की बचत होगी। बाईपास के निर्माण से नांदुरा शहर में होने वाले ट्रैफिक जैम से और ध्वनि तथा वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। अमृत सरोवर अंतर्गत हाईवे के निर्माण में तालाबों के गहरीकरण से प्राप्त मिट्टी का उपयोग करने से तालाबों की जल क्षमता बढ़ गई है। इस जल संवर्धन से मलकापुर वासियों की पानी की किल्लत दूर होगी। श्री नितिन गडकरी जी द्वारा दिया गया इस परियोजना का यह उपहार बुलढाणा के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक समृद्ध करेगा।